नमस्ते दोस्तों, मैं रेनू सिंह अपने चैनल कुकिंग विद रेनू में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की मेरी रेसिपी है पोहा और आलू की, बहुत ही टेस्टी ये पूड़ियाँ बनाने की। ये देखिए चटपटी मसालेदार ये पूड़ियाँ झटपट से बन जाती हैं। यहाँ पर मैंने इनको दही के साथ लिया है, आप चाय के साथ ले सकते हैं, अचार के साथ ले सकते हैं। आप इन पूड़ियों को बना के सफ़र में ले जा सकते हैं, बच्चों के लंच बॉक्स में बना के दे सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम बनाते हैं इस रेसिपी को। तो अब हमने एक मिक्सिंग बाउल ले लिया है, इसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप पोहा। और इस पोहे को हम अच्छे से एक बार वॉश कर लेंगे। तो अब यहाँ पर मैंने एक चलनी ले ली है, इस पोहे को हम इस चलनी पर निकाल देंगे, जिससे कि जो भी इसका एक्स्ट्रा पानी होगा वो नीचे निकल जाएगा। हमने पोहों का पानी स्ट्रेन कर दिया है, तो सेम बोल में अब हम इन पोहों को निकाल लेंगे। और इन पोहों को हम 10 से 15 मिनट के लिए ढक देंगे, जिससे कि ये सॉफ्ट हो जाएंगे। गैस पर रख दिया है हमने एक तड़का पैन, गैस की फ्लेम को ऑन कर दिया है। इसमें मैं डाल रही हूँ 2 छोटे चम्मच ऑयल। ऑयल को हम गरम कर लेंगे। जैसे ही ऑयल गरम हो जाएगा तो इसमें हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच सरसों के दाने, और इनको हम कुछ सेकंड फ्राई कर लेंगे जब तक कि अच्छे से चटकने न लगें। साथ ही यहाँ पर मैंने 8 से 10 ये फ्रेश करी पत्ता लिए हैं, तो इनको मैं इस तरह से तोड़ के डालूँगी। गैस की फ्लेम को हम लो कर लेंगे, फ्राई कर लेते हैं। ऑयल अभी काफ़ी गर्म है तो गैस की फ्लेम को हम ऑफ़ कर देंगे। गैस की फ्लेम को ऑफ़ करने के बाद यहाँ पर मैं 1/2 छोटी चम्मच इसमें ऐड कर रही हूँ हल्दी पाउडर। साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। गैस की फ्लेम को ऑफ़ करने के बाद हमने इसको ऐड किया है। तो अब हम इस तड़के को पूरी तरह से ठंडा कर लेते हैं। 10 मिनट हो गए हैं पोहों को ढके हुए, तो मैं अब आपको दिखाती हूँ। ये देखिए पोहा जो है अच्छे से फूल गए हैं और ये मैश भी हो रहे हैं अच्छे से। तो अब यहाँ पर मैंने लिए हैं ये 5 आलू, तो इनको हम इसमें ग्रेट कर लेंगे पोहों के साथ में ही। आप चाहें तो इनको मैश भी कर सकते हैं। आलू हमने ग्रेट कर लिए हैं, अब हम इसमें ऐड कर देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने तड़का बना के तैयार किया था, ये ठंडा हो गया है। तो अब हम सबसे पहले सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हमें आलूओं को पोहों के साथ इस तरह से मिक्स करना है जिससे कि वो अच्छे से मैश भी हो जाएं। आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से मिक्स कर रही हूँ। तो ये देखिए सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, लास्ट में यहाँ पर मैंने लिया है 1/2 कप गेहूं का आटा। आप यहाँ पर मैदा भी ले सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें आटा मिक्स करेंगे और एकदम हम इसका टाइट डो जैसा तैयार करेंगे, जैसा हम पूड़ी के लिए नॉर्मली डो तैयार करते हैं। टाइट हमें लगाना है, जितनी हमें ज़रूरत होगी उतना हम आटा इसमें मिक्स करेंगे। तो ये देखिए हमने इसका एकदम टाइट आटा गूंथ के तैयार कर लिया है। हाथ को थोड़ा सा सूखे आटे में डस्ट करते हुए हम इसकी इस तरह से एक बड़ी लोई बना लेंगे। आप चाहें तो छोटी छोटी लोइयां बना के भी तैयार कर सकते हैं। चकले पर भी हम थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट करेंगे और इसको हम बेल लेते हैं। पतला नहीं बेलेंगे, बहुत ज़्यादा हल्का सा हम मोटा ही रखेंगे। जहाँ आपको लगे कि बेलते समय ये चिपकने लगे तो आप थोड़ा सा सूखा आटा डाल लें, जिससे कि चिपकेगा नहीं।
इस तरह से हमने इसको थोड़ा मोटा ही बेला है। आप देख सकते हैं कि मैंने इसकी मोटाई कितनी रखी, ज़्यादा पतला नहीं बेलना है। तो यहाँ पर अब मैंने एक गिलास ले लिया है और इससे हम इस तरह से इसको कट कर लेंगे, जिससे कि एकदम ये गोल आएंगी। ये देखिए मैं प्लेट में रख के आपको दिखाती हूँ, मोटाई भी आप देख सकते हैं साथ के साथ। इसको भी हम निकाल लेंगे। ये देखिए जो हमारा पोर्शन बचा हुआ है इसमें से भी हम कट कर लेते हैं। तो एक बार में हमारी ये तीन पूड़ी बन के तैयार हैं। जो हमारा एक्स्ट्रा डो ये बचा है इसको भी हम उसी डो में मिक्स कर लेंगे। और एक और मैं लोई से आपको बेल के दिखाती हूँ। इसी तरह से थोड़ा सा हम सूखा आटा डस्ट करके ही इसको बेलेंगे और थोड़ा सा हमें मोटा ही बेलना है। ये ध्यान रखना है, जहाँ आपको लगे कि ये चकले में चिपकने लगा है तो आप थोड़ा सा सूखा आटा डाल के इसको डस्ट कर लें। दूसरी लोई भी हमने बेल के तैयार कर ली है, तो इसको भी हम कट कर लेंगे। ये देखिए, तो इसी तरह से हम अपने सारे पीस तैयार कर लेंगे। ये देखिए, एक कढ़ाई में ऑयल हमने पहले से गरम करने रख दिया था, तो अब हमने जो ये पूड़ियाँ बनाई हैं इनको हम कढ़ाई में डाल के फ्राई कर लेंगे। ऑयल अच्छा गरम होना चाहिए। इस तरह से हल्का सा हम इनको हिला देंगे। अभी एक साइड फ्राई होने देंगे तब हम इनको पलटेंगे। देखिए आप देख सकते हैं कि अच्छे से फूल रही हैं। पलट लेंगे जो फूल गई हैं उनको और दूसरी साइड भी फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए दोनों साइड अच्छे से फ्राई हो गई हैं, तो इनको हम निकाल लेते हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं ये कितनी बढ़िया हमारी ये पूड़ियाँ बनके तैयार हुई हैं। मैं आपको पास से दिखाती हूँ। ये देखिए, एक और बैच में आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। ऑयल अच्छा गर्म होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। एक साइड हम इनको फ्राई होने देंगे। इस तरह से हम थोड़ा सा इनको ऑयल में हिला देंगे और एक बार में हम बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। हल्का सा इस तरह से हम बीच में इनको प्रेस करेंगे, जिससे कि अच्छे से फूल जाएंगी। ये देखिए आप देख सकते हैं कि अच्छे से फूल गई हैं, तो इनको हम पलट के और दूसरी साइड भी फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी पोहा और आलू की फूली फूली और बहुत ही टेस्टी ये पूड़ियाँ बनके तैयार हैं। यहाँ पर मैंने इनको दही के साथ लिया है। आप चाय के साथ ले सकते हैं, अचार के साथ ले सकते हैं। तो आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई कीजिए। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।